आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, हम कैलकुलेशन कर रहे थे कल। इसकी कैलकुलेशन में हमने v की वैल्यू कंसीडर कर ली थी, v इज इक्वल टू kq r1 माइनस r2 अपॉन r1 इनटू r2। मैंने कहा था कि हमारा टारगेट है अब r1 और r2 की वैल्यू कंसीडर करना, जिससे टोटल पोटेंशियल आपके पास कैलकुलेट होकर आएगी। तो देखो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो पहले हमें OC और OD की वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो फॉर आर वन हम ट्राइंगल ले लेते हैं AOC। देखो कौन सी ट्राइंगल है, AOC, ये वाला। AOC में cos थीटा की वैल्यू कंसीडर करनी है। cos थीटा, तो cos थीटा क्या है बेटा, 90 के इन फ्रंट हाइपोटेनस और थीटा के इन फ्रंट परपेंडिकुलर, और जो आपके पास ये वाली है ये क्या जाएगी, बेस, ठीक है। और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस बताओ क्या है इसमें, बेस आपके पास OC और हाइपोटेनस OA, ठीक है। तो OC की वैल्यू हमें कंसीडर करनी है, क्योंकि OC तो पाथ है इसका, पाथ रिफरेंस। सो वी कैन राइट OC इज इक्वल टू OA cos थीटा। OA की वैल्यू आपको पता है, OA ये A है, सो OC इज इक्वल टू A cos थीटा, ठीक है। ये आपके पास आ गई OC। इसी तरह से हम OD कंसीडर कर देते हैं। OD क्या आएगी, OD के लिए फॉर R2 के लिए, R2 के लिए ट्राइंगल ले लेते हैं ODB में देखो बेटा, इन फ्रंट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर, इन फ्रंट ऑफ 90 हाइपोटेनस, और ये जो आपके पास है बेस, तो वही cos थीटा की वैल्यू कंसीडर करें। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है, OD अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस इन फ्रंट ऑफ 90, तो इन फ्रंट ऑफ 90 इज OB, क्लियर। सो वी कैन राइट OD इज इक्वल टू OB cos थीटा। OB क्या है बेटा, OB इज A, सो OD इज इक्वल टू A cos थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि OC भी A cos थीटा और आपके पास OD है वो भी क्या है, A cos थीटा। दोनों आ गए, यहां तक क्लियर है। अच्छा अब देखिए, OC और OD आपके पास आ गए हैं, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं R1 और R2 की। तो आप डायग्राम में देख के मुझे बताओ कि R1 क्या आएगा। डायग्राम को ध्यान से देखो, R1 हमें कैलकुलेट करना है। R1 किसके इक्वल है, देखो गिवन वैल्यू क्या है, ये गिवन है OP, और उसमें अगर ये ऐड कर दे तो AP के बराबर आ जाएगा, और AP क्या है, R1। तो आपके पास आ जाएगा R1 इज इक्वल टू ये डिस्टेंस OP, OP का मतलब R, और प्लस ये डिस्टेंस OC, OC कितना है आपके पास, OC आपके पास है A cos थीटा, ये आपके पास आ गया R1, क्लियर है। इसी तरह से R2 क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखो R2 डायग्राम में, ये R2 कैलकुलेट करना है। तो R2 जो है इसके इक्वल है, और जो आपका PD है, और इसमें और ये आपका सब्ट्रैक्ट कर दे, तो आपके पास जो कंप्लीट आर में अगर कंप्लीट आर कौन सा है, ओ से लेकर पी तक, ये कंप्लीट आर है ओ से लेकर पी तक, कंप्लीट आर में से अगर ओडी हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये DP आ जाएगा। तो आर माइनस ये ओडी, और ओडी की वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा, क्लियर। कहां तक पहुंच गए हम, इक्वेशन 4, यहां इक्वेशन 5, और ये इक्वेशन 6। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यू ऑन दीज इक्वेशन, देन वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल। सो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 5 एंड 6 इन इक्वेशन 4, सो वी कैन राइट V इज इक्वल टू KQ। सब्स्टिट्यूट करो बेटा, R1 की वैल्यू क्या है, R प्लस A cos थीटा, और R2 की वैल्यू क्या है, R माइनस A cos थीटा। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा R A cos थीटा नेगेटिव साइन, और R2 की वैल्यू क्या है, R माइनस A cos थीटा एंड अपॉन R1 इंटू R2, इसका मतलब R A cos थीटा और R माइनस A cos थीटा, ठीक है। नेगेटिव साइन से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और R क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेक्स्ट V इज इक्वल टू KQ R प्लस A cos थीटा नेगेटिव आर, एंड नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव A cos थीटा। यहां देख के बताओ, एक फॉर्मूला लग गया 10th का,
बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, क्या कैंसिल हुआ, आर से आर कैंसिल, तो आपके पास आ गया ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा टू ए कॉस थीटा. तो आपके पास यहां से रफ कर देते हैं इसको, तो v इज इक्वल टू के क्यू, यहां से आपके पास आ गया 2a cos थीटा अपॉन यहां से r स्क्वायर a स्क्वायर cos थीटा. ठीक है, ठीक है, अब देखो q इंटू टू ए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं k q इंटू टू ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्यू इंटू टू ए. क्यों लिखा है पता लग गया होगा, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, और डाइपोल मोमेंट को किससे शो करते हैं, P से. तो यहां पे क्या आ जाएगा, Q इंटू टू ए की जगह P, तो V इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर. ठीक है, केस लगा लेते हैं बेटा, यहां से देख के बताओ, जो ए है वो डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस है और आर जो है वो डाइपोल के सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस है. तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो आर है वो ग्रेटर देन ए, इट मींस ए इज या ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल जीरो, अप्रोक्सीमेट इक्वल जीरो कंपेरिजन टू आर. ठीक है, तो ए कॉस थीटा जीरो लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखें, तो वी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन ये ए कॉस थीटा जो है आपके पास जीरो करेंगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर. बोले या सुनो, ठीक है, अब देखिए केस लगा देते हैं. केस फर्स्ट, When theta is zero, theta zero, तो ये theta angle कौन सा, ये theta zero, तो ये कहां जाएगा, dipole के axial line पर. अरे theta is zero करके देखो तो ये P point कहां लगेगा, यहां से आ जाएगा, ये क्या है dipole का axial, तो axial पे potential क्या आ जाएगा, axial पे आपके पास potential आ जाएगा dipole के axial पे, तो V axial is equal to के पी कॉस जीरो अपॉन आर स्क्वायर, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस जीरो इज वन, सो वी एक्सियल इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, हेयर कॉस जीरो इज वन, और थीटा की वैल्यू 90 ले दो बेटा, 90 लेंगे तो इक्वेटोरियल पे आ जाएगा. सो व्हेन केस सेकंड, व्हेन थीटा इज 90, सो कॉस 90 इज जीरो, सो वी इक्वेटोरियल, तो यहां कॉस 90 रखेंगे जीरो तो कंप्लीट जीरो, तो इक्वेटोरियल पे जो पोटेंशियल आएगी वो क्या आएगी, जीरो. ठीक है, इस तरह से इसका कैलकुलेशन की. ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पे, आपको याद रखना है कि डाइपोल से हम किसी पी पॉइंट पे कैलकुलेशन करेंगे, पहले थीटा एंगल पे और फिर थीटा की वैल्यू रख के एक्सियल और इक्वेटोरियल कंसिडर कर लेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू क्लास.